ये संभव नहीं है, ये बस झुंझुना पकड़ाने वाली बात है। ये फ्लाइंग क्लब की आप बात आप लगातार चर्चा करते हैं, मुजफ्फरपुर के सफल व्यवसायी स्मार्ट इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन और एसआर जयपुरिया स्कूल के फाउंडर श्री सावन पांडे जी आज हमारे सामने हैं। इनसे हम कई सारी चर्चाएं करेंगे। मुजफ्फरपुर शहर के विकास को लेकर ये लगातार सक्रिय रहते हैं, चाहे एयरपोर्ट का मामला हो, एम्स का मामला हो। इन्होंने लगातार सरकार से, केंद्र सरकार से कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, मांग की है, कई दौर बातचीत भी हुई है, इस पर भी हम इनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। नया बिहार न्यूज़ में सर आपका हार्दिक स्वागत है। सर सर्वप्रथम सर आप से मेरा पहला सवाल है, एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं चालू हो पा रहा है? एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर को लेकर के यहाँ के राजनेताओं जो कि अभी वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उनके पास कोई विज़न ही क्लियर नहीं है, दूरदर्शिता ही नहीं है कि करना कैसे है और यहाँ एयरपोर्ट कैसे आए, क्या प्लानिंग देनी है, सरकार को क्या सूचित करना है, इन लोगों के पास कोई जानकारी ही नहीं है। तो फिर कैसे सरकार उसको मुहैया करवाएगी, उनको एयरपोर्ट अलॉट करवाएगी, वो पॉसिबल ही नहीं है इन लोगों से। नहीं, छोटा चॉपर उड़ाने की बात हो रही है, हेलीकॉप्टर सुविधा देने की बात हो रही है, ये इसमें कितनी सच्चाई है? तो हमारे गांव घर में कहावत है, जितना के बउआ ना उतना के झुंझुना। चॉपर से कितने लोग यात्रा कर सकते हैं, कितने लोगों के पास वो आर्थिक स्थिति है इतनी मजबूत है कि वो चॉपर से यात्रा कर सकते हैं, ये संभव नहीं है, ये बस झुंझुना पकड़ाने वाली बात है। ये फ्लाइंग क्लब की आप लगातार चर्चा करते हैं कि फ्लाइंग क्लब स्थापित होना चाहिए जिससे छोटे प्लेन चल सकते हैं, वो कंसेप्ट सर बताइए। तो मैंने प्लान बना करके सरकार को दे रखा है, केंद्र सरकार को, उड्डयन मंत्रालय को मेरा दिया हुआ है। उसमें क्या है कि उसमें हम फ्लाइंग क्लब चाहते हैं कि फ्लाइंग क्लब यहाँ पे हो, वहाँ से लोग ट्रेनिंग लें, क्योंकि ट्रेनिंग को लेकर के यहाँ पे उत्तर बिहार में कुछ है भी नहीं, जिससे यहाँ का आमदनी भी बढ़ेगा और कुछ लिमिटेड सिटीज़ जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनके लिए उड़ान भरे यहाँ से। प्लेन छोटे प्लेन चलने चाहिए, मतलब ये दिल्ली और लखनऊ जैसे छोटे एरिया। हाँ, दिल्ली आपका लखनऊ हो गया, रांची हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, इन सब शहरों में कोलकाता चले जाते, फिर वहाँ से हम लोग कहीं भी उड़ान भर सकते हैं। सर आप लगातार स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर पे मतलब बात करते हैं, अभी वर्तमान में मुजफ्फरपुर शहर में स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, कितनी संतुष्टि है उस काम से? मैं तो बड़ा तीखा बोलता हूँ लोगों को, ऐसा यहाँ के राजनेता बोलते हैं जो वर्तमान जनप्रतिनिधि या पूर्व जनप्रतिनिधि हैं जो 25 वर्षों से इस शहर को डुबाए रखे हैं, कहीं से स्मार्ट सिटी नज़र ही नहीं आता है। नाले खुले पड़े हैं, नालों का गाद पड़ा हुआ है सड़कों पे, वो सूख करके हमारे आँख में, हमारे नाक में 10 तरीके की बीमारी, अभी कोरोना जैसे महामारी से हम लोग गुजर रहे हैं या निकले हैं, तो ये तो एक और अलग तरीके की महामारी पैदा करेगी मुजफ्फरपुर में। तो सर यहाँ के जनप्रतिनिधि या यहाँ के ऑफिसर्स चाह रहे हैं कि यहाँ के लोग और बीमार हो, अस्पताल भरे। ये प्रदूषण का सर जो मापदंड तैयार किया गया है उसमें मुजफ्फरपुर नंबर 2 शहर बना हुआ है पूरे देश में, क्या कारण दिख रहा है इसके पीछे सर? यहाँ एक तो जनसंख्या अधिक है, प्लैंड वे में शहर है नहीं, साफ सफाई की माकूल व्यवस्था नहीं है, यहाँ नालों में गाद जमा पड़ा है, सीवर का कोई हमारे पास प्लान नहीं है, हमारे पास सड़कों को साफ करने का कोई प्लान नहीं है, सड़कों की धुलाई का कोई प्लान नहीं है। यहाँ जो कुछ भी काम होता है वो सुबह के 9 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक निगम यहाँ सक्रिय होता है काम करने को, जब हमारे ऑफिस या स्कूल जाने का टाइम होता है हमारे बच्चों का तब हमारे यहाँ साफ सफाई शुरू होता है। कहाँ से सर? तो नगर आयुक्त सर IAS आए हुए हैं, नगर सरकार कहती है कि हमने नगर आयुक्त IAS दे दिया है, तो प्लानिंग के पार्ट पे नगर आयुक्त IAS जो हैं वो IAS है, वो कहाँ तक कामयाब हो रहे हैं? कहीं कामयाब नहीं हो रहे ना, एक IAS बेचारा क्या करेगा, एक IAS कर क्या सकते हैं, वो कहीं और से आकर के यहाँ काम करने आया है, तो जनप्रतिनिधि है ना, यहाँ बोलिए यहाँ मेयर साहब करवाएंगे, तो पहले तो मेयर का आता पता ही नहीं था, कुछ दिन तो मेयर भी मुजफ्फरपुर रहा, यहाँ मेयर अलग लूट खसोटे मचाए हुए हैं निगम में, नगर विधायक को कोई लेना देना है नहीं, जबरन उनको हम लोग विधायक बना करके बैठा दिए हैं, तो वो उस पद को सुशोभित कर रहे हैं ना कि विधायक पद उनको सुशोभित कर रहा है, तो ये सब तो एहसान कर रहे हैं हम लोग पे, तो बेचारे IAS करेंगे क्या, कुछ नहीं कर सकते। सर आप स्कूल चला रहे हैं और ये मुजफ्फरपुर में आपने SR जयपुरिया एक बड़ा स्कूल देने का काम कर रहे हैं, क्या कंसेप्ट है स्कूल का सर? इस स्कूल में सर्वांगीण विकास की बात की जा रही है, सर्वांगीण विकास तो सारे स्कूल्स बोलते हैं लेकिन वहाँ मशीन बनाने की बात होती है, बच्चों को एजुकेशनल मशीन बना दिया जाता है, हम एजुकेशनल मशीन पे फोकस नहीं करते बच्चों को, एजुकेशनल मशीन बनाए,
हम चाहते हैं सर्वांगीण विकास हो, जो बच्चे संगीत में आगे बढ़ना चाहते हैं, खेल जगत में जाना चाहते हैं, जो बच्चे सिर्फ पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई बच्चे UPSC क्वालिफाई करना चाहता है, कोई IIT बनना चाहता है, तो बेस अभी से हम उसका तैयार कर रहे हैं। सर, क्रिकेट एकेडमी की बड़ी चर्चा हो रही है आपके स्कूल में कि महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा जो क्रिकेट एकेडमी जो चलाई जा रही है उसकी सुविधा आपके स्कूल में भी मिलेगी। जी, मुजफ्फरपुर का फ्रेंचाइजी हम लोगों ने ही लिया है महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट एकेडमी की, और ये हम लोग मई में चालू कर रहे हैं। हमारे स्कूल का अपना नया कैंपस बन रहा है और नए फोरलेन पे, पता ही फोरलेन पे हमारा बन रहा है, तो वहाँ 5 मई से हम लोग उद्घाटन करके सारा कुछ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा विद्यालय और हमारा MS धोनी क्रिकेट अकेडमी भी शुरू हो जाएगा, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास और क्रिकेट जगत में आगे बढ़ने का जो सपना है बच्चों का वो भी पूरा होगा। सर, स्मार्ट इंडिया फाउंडेशन का क्या कंसेप्ट है? स्मार्ट इंडिया फाउंडेशन अभी मूल रूप से काम कर रही है ज़रूरतमंदों के बीच में जाकर के उनको अनाज मुहैया करवाने का। अनाज मतलब चूड़ा मिठ्ठा नहीं, अनाज मतलब अनाज जो उनको ज़रूरत है। अगर उन्हें ज़रूरत आटे की है तो आटा मिलेगा, अगर उनको ज़रूरत पापड़ की है और चावल की है और दाल की है तो उनको हम वो मुहैया करवाएंगे, अगर उनको ज़रूरत दवा की है तो हम वो मुहैया करवाएंगे, अगर उनको एडमिट IGIMS या PGI में करवाना है वो हम करवा रहे हैं। और ये हम मेरे निजी खर्चे से है, किसी सार्वजनिक खर्चे से या किसी सरकारी संस्थान से नहीं है, ये मेरे निजी खर्चे से चलाया जा रहा है। सर, राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है कि सावन पांडे जी राजनीति में भी आ रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? सर, कोई सच्चाई अभी तक नहीं है। मुजफ्फरपुर के लोगों का आशीर्वाद होगा, मुजफ्फरपुर मेरे लिए, मुजफ्फरपुर की जनता मेरे लिए जनता नहीं है, मुजफ्फरपुर मेरा पूरा का पूरा परिवार, और यहाँ जो भी लोग रहते हैं वो मेरे परिवार के सदस्य, और मैं इस परिवार के सदस्य के बीच में एक छोटा सा बच्चा हूँ। लोग आशीर्वाद देंगे, उंगली पकड़ा करके लेकर के चलना सिखाएंगे तो मैं चलूँगा, दौड़ूंगा। अभी राजनीति में, सर, राजनीति में सर शिक्षित लोगों का आना बहुत ज़रूरी है, ऐसी चर्चा होती है। अगर मुजफ्फरपुर की जनता आपको अगर आशीर्वाद देती है तो मुजफ्फरपुर के लिए दो विशेष काम जो आप अपनी तरफ से करना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले मुजफ्फरपुर को जल जमा और साफ सफाई पर सबसे प्राथमिकता में मेरी ये होगी, और इसके साथ ही अपराध मुक्त मुजफ्फरपुर बनाना है, और दूसरा ये कि शिक्षा जगत में मुजफ्फरपुर को ऊंचाई पे और स्वास्थ्य साथ साथ में, क्योंकि मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल और मुजफ्फरपुर SKMCH की स्थिति आप देख लें तो यहाँ के नगर विधायक जब बीमार होते हैं वर्तमान या पूर्व तो वो चले जाते हैं लखनऊ इलाज करवाने, रांची इलाज करवाने, लेकिन SKMCH में जाकर के इलाज करवाने की उनकी हिम्मत नहीं है, सदर में जाकर के इलाज करवाने की उनकी हिम्मत नहीं है। तो मैं पहले वो स्वस्थ करवाऊंगा, उस व्यवस्था को, माकुल व्यवस्था को स्वस्थ करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। सावन पांडे जी ने स्पष्ट किया कि अगर मौका मिलता है तो शिक्षा स्वास्थ्य पे विशेष काम करेंगे, मुजफ्फरपुर को असली स्मार्ट सिटी बनाएंगे, जो अभी अभी मुजफ्फरपुर धूल प्रदूषण से ग्रसित है, आम आदमी को बड़ी परेशानी हो रही है, नालियाँ खुदी हुई है, जल जमाव की समस्या, इन तमाम मुद्दों पे इन्होंने कहा है कि अगर जनता ने मौका दिया तो बेहतर काम करके बेहतर मुजफ्फरपुर बना के दूंगा। नया बिहार न्यूज़ से, मुजफ्फरपुर से, मैं अमित विक्रम।